वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप मेरी आवाज आप सभी लोगों को क्लियर होगी। एंड मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम है उमेश आर्या एंड वेस्टीज मैं एज अ सीनियर सेल्स मैनेजर। मैं उड़ीसा में पिछले लगभग 5 साल हो गए मेरे को। इनफैक्ट इट्स बीन मोर देन 5 ईयर्स मैं उड़ीसा में हूँ, आप लोगों को सर्विसेज दे रहा हूँ। एंड सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा आज के इस सेशन में। लीडरशिप ट्रेनिंग सेशन है जो अगस्त के महीने से मैंने प्लान किया था आप लोगों के लिए कि हर वेडनेसडे को मैं कुछ ना कुछ आपके साथ बातचीत करूंगा लीडरशिप के ऊपर कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस को और बेहतरीन तरीके से बिल्ड कर सकें। क्योंकि पर्पस सिंपल है और पर्पस ये है कि जो वेस्टीज का विजन है कि लोगों की मदद करना ताकि वो अपनी जिंदगी आर्थिक आजादी के साथ और अपनी शर्तों के साथ जी सके। आपका जो भी ड्रीम है, जो जिस भी ड्रीम को लेकर आपने वेस्टीज ज्वाइन किया है, वो ड्रीम आपका पूरा हो, जल्दी से जल्दी पूरा हो। उसके लिए जितनी भी हो सके, जैसे भी हो सके, हम आपको सपोर्ट करते हैं। एंड ये ट्रेनिंग सेशन भी हमने उसी चीज के लिए रखा हुआ है। चलिए, लगभग 40 मिनट का समय मैं मैक्सिमम आप लोगों का लूंगा और इन 40 मिनट में कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एंड एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये कोई प्रेजेंटेशन सेशन नहीं रहेगा। इसमें मैं कोई प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा। इसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा और साथ ही साथ मैं ये भी आप लोगों से बात करूंगा कि किस तरीके से आप एक बेहतरीन और एक बड़ा बिजनेस अपना बिल्ड कर सकते हैं वेस्टीज के माध्यम से। चलिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि वेस्टीज आप लोगों की जो कंपनी है वो फिनोमिनली ग्रो कर रही है इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी। मार्च में 20 तारीख से हमने डिक्लेयर किया था कि हम कोई भी फिजिकल ट्रेनिंग्स हम नहीं करेंगे बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दी है सोशल डिस्टेंसिंग। एंड लगभग 24 या 25 तारीख से कंप्लीट लॉकडाउन शुरू हो गया था। पैंडेमिक सिचुएशन थी, परेशानी थी, टेंशन थी सभी को, जितने भी हमारे लीडर्स हैं उन सबको भी टेंशन थी। एंड ऑफ कोर्स हमें भी कहीं ना कहीं एक चीज, एक बहुत कंसर्न था कि अब व्हाट नेक्स्ट, होगा क्या। बावजूद उसके मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पिछला महीना जो हमारा गया है, पिछला महीना हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड ब्रेकिंग टर्नओवर हमने करा है, जिसके चलते लास्ट मंथ हमारा हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड ब्रेकिंग चेक्स हमारे लीडर्स ने अर्न करे हैं। मैं लीडर्स की अगर जो बात करूं, सिंस आई एम इन उड़ीसा तो मैं थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में शेयर करता हूं। मिस्टर जतेंद्र नायक जो हमारे वेस्टीज एम्बेसडर हैं, 24 लाख रुपए प्लस का उनका चेक आया है लास्ट मंथ। दैट वाज ऑलमोस्ट हाईएस्ट पे आउट उनका अभी तक का। एंड सुशांत मोहंती जी की बात करूं तो लगभग 9.5 लाख रुपए का उनका चेक आया है। मिस्टर बाबा ग्राही माझी जो एक लीडिंग एग्जाम्पल है वेस्टीज में, ऑल अक्रॉस द कंट्री, और सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड एक लीडिंग एग्जाम्पल है। पैरालाइज्ड होने के बावजूद, घर से ना निकलने के बावजूद, आप में से जितने लोग बाबा ग्राही माझी जी को जानते हैं वो तो अच्छे से जानते होंगे, बट जो लोग नहीं जानते मैं उनका बता दूं आपको कि आज से लगभग 5 साल पहले व्हेन ही वाज अ क्राउन डायरेक्टर, उनका एक बाइक से मेजर एक्सीडेंट हुआ था जिसके चलते उनका चेस्ट से नीचे का जो पोर्शन था वो पैरालाइज्ड हो गया था। पिछले 5 साढ़े 5 सालों से वो व्हील चेयर पे है। He is not physically active, वो physically field पे नहीं जा रहे हैं, but yes, mentally active हैं। And mentally active होना ज्यादा important है, of course, growth के लिए। Mentally active हैं, जिसके चलते उन्होंने system तो yes, of course, system वो regular follow करते हैं, अपने लोगों के साथ regular वो touch में रहते हैं, जैसे भी करके वो make sure करते हैं कि उनका पूरा network Vestige के education system के साथ attached रहे। And जब accident हुआ था, that time ground director थे और लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए के आसपास का check था। आज 5 साल हो गए उनको, लास्ट टू लास्ट मंथ उन्होंने डबल क्राउन डायरेक्टर हिट करा। एंड पिछला महीना जो उनका चेक आया वो हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड ब्रेकिंग आया है, 15 लाख रुपए का चेक। एंड सिर्फ यही एग्जांपल्स नहीं है, हमारे यूथ आइकन मिस्टर मिस्टर सरोज कुमार पानीग्रही लगभग 13 लाख रुपए का चेक, शिवानी मोहंती जी उनका लगभग 13 लाख रुपए का चेक। दिल्ली से अगर जो मैं बात करूं तो मेरे को रिसेंटली अभी पता चला है दिल्ली से मिस्टर सिद्धार्थ सिंह 1.18 करोड़ रुपए का चेक, मिस्टर लोकेश शेट्टी डबल क्राउन डायरेक्टर 12-13 लाख रुपए का चेक, बैंगलोर से मिस्टर सुभाष शेट्टी उनका 23 लाख रुपए का चेक। सो एंड ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं कुछ स्टेट्स के, कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आप लोग भी जानते होंगे, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, कोई सा भी आप स्टेट उठा के देखिए,
हर स्टेट में हमारे जितने भी लीडर्स हैं फिनोमिनली ग्रो कर रहे हैं। लास्ट मंथ हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड ब्रेकिंग पे आउट उनका आया है। बट यस, एक देर इज वन मोर थिंग कि देर आर फ्यू लीडर्स, देर आर फ्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स जो स्ट्रगल भी कर रहे हैं, और वो स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं आज मैं उनके बारे उसके बारे में भी आपके साथ शेयर करूंगा, और क्या सॉल्यूशन होगा कि वो स्ट्रगल ना करें, वो भी फिनोमिनली ग्रो करें, क्या सॉल्यूशन होगा आज थोड़ा सा उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया कि कंपनी एज अ वेस्टीज एज अ कंपनी इज ग्रोइंग फिनोमिनली, और ये सिर्फ अकेले ही ग्रो नहीं कर रही है। सी, वेस्टीज ग्रो कब करेगी? वेस्टीज तब ग्रो करेगी जब वेस्टीज के लीडर्स ग्रो करेंगे। वेस्टीज के लीडर्स अगर तो ग्रो नहीं करेंगे तो वेस्टीज ग्रो नहीं करेगी। सिंपल फॉर्मूला, लीडर्स आर ग्रोइंग फिनोमिनली। जो हमारा आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान है उसमें बहुत बेहतरीन पे आउट लोगों को आ रहा है, एंड जिसके चलते लीडर्स तो ग्रो कर ही रहे हैं, उसके चलते साथ ही साथ वेस्टीज इज ऑल्सो ग्रोइंग फिनोमिनली। एंड ये सारी चीजें, अब एक बात करते हैं कि कोविड-19 की सिचुएशन आप देखिए कि मार्च 25 तारीख से लॉकडाउन शुरू हुआ, अप्रैल का पूरा महीना बहुत टफ था हम सभी लोगों के लिए। एंड वेस्टीज मैनेजमेंट ने कुछ चीजें, कुछ चेंजेस करे, कुछ ऐसी नई चीजें इंट्रोड्यूस करी जिसके चलते मोटिवेशन हमारे लोगों का बना रहे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, 1% पूल वेस्टीज ने लॉन्च करा अप्रैल के महीने में, एंड उसमें भी काफी रियायतें बरती। जैसे पर्सनल, जैसे एक्सक्लूसिव पीवी का जो टारगेट रखा उसमें नॉन क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर का बिजनेस भी इंक्लूड किया गया। नॉर्मली कोई भी अगर जॉब ऑफर देखें वेस्टीज के पिछले 16 सालों के इतिहास में, कि कोई भी ऑफर अगर जो वेस्टीज लॉन्च करती है जिसमें एक्सक्लूसिव पीवी का टारगेट होता है, तो उस एक्सक्लूसिव पीवी में नॉन ब्रॉन्ज डायरेक्टर का ही बिजनेस काउंट किया जाता है। बट क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन थी, कुछ नहीं पता था बिजनेस किस तरीके से होगा, बिकॉज कंप्लीट लॉकडाउन, घर के अंदर हम सब लोग बंद हो गए, एंड सर्विसेज ब्लॉक हो गई, कुरियर सर्विसेज ब्लॉक हो गई, वेस्टीज के ऑफिसेज ब्लॉक हो गए, एंड कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो एक ही ऑफर हमने लॉन्च करा, +25% डिस्काउंट आप लोगों के लिए हमने लॉन्च करा, जिसके चलते एंड देयर इज वन मोर थिंग, हमने वेबिनार्स आप लोगों के लिए शुरू करे, हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स आप लोगों के लिए शुरू करी। सी, आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा, वेस्टीज एज अ मैनेजमेंट हम पिछले लगभग 2 सालों से प्लान कर रहे थे कि हम ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू करें, हम वेबिनार शुरू करें, बट कहीं ना कहीं हमने उसे शुरू नहीं किया था। बिकॉज हमें लगता था कि अगर जो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग करेंगे तो जो फिजिकली जो हमारे लीडर्स या हम लोग जो रेगुलर बेसिस पर फिजिकली जो हम लोग जाते हैं लोगों से मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, और फिजिकली लोगों से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसलिए हम ऑनलाइन वेबिनार्स हम शुरू नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते चीजें जो थी मतलब एज इट इज चल रही थी, ऑल दो तब भी वेस्टीज फिनोमिनली ग्रो कर रहा था, ठीक। बट जैसे ही कोविड-19 आया, बिकॉज एक चीज हम जानते हैं कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है एजुकेशन हमारे लाइफ में, चाहे वो छोटे बच्चों से लेकर हो, चाहे वो किसी भी फील्ड की एजुकेशन हो। एंड यस, वेस्टीज की एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है और रहेगा हमेशा किसी भी इंसान की ग्रोथ के लिए। पेंडेमिक सिचुएशन आई, मजबूरी रही, तो हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू करी, वी स्टार्टेड फ्रॉम जूम, एंड उसके बाद हम वेबिनार पे आए, गो टू वेबिनार हमने शुरू करे, गो टू मीटिंग्स हमने शुरू करी। यस, कोई भी नई चीज जब हम शुरू करते हैं तो वो हमेशा अनकंफर्टेबल रहता है, हमारे लिए भी अनकंफर्टेबल था, हमारे लीडर्स के लिए भी अनकंफर्टेबल था, बट कमाल की बात ये थी कि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। अब जब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था तो हमें अपने आप को उसमें कंफर्टेबल करना मजबूरी बन गया। अब ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हमने शुरू करी, कुछ चैलेंजेस आए, कुछ लीडर्स कहने लगे कि सर मेरे पास नेट कनेक्टिविटी का इशू है, मेरे मोबाइल में नेट ठीक से नहीं आता है। इनफैक्ट उड़ीसा की अगर जो मैं बात करूं तो उड़ीसा में इंटरनेट कनेक्टिविटी इज वेरी पुअर, वेरी पुअर। इनफैक्ट सिर्फ उड़ीसा की मैं बात नहीं करता हूं, मैं वेस्ट बंगाल की भी अगर जो मैं आपसे बात करूं, स्पेशली ईस्ट इंडिया की अगर जो मैं बात करूं, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी इज वेरी पुअर, जिसके चलते कई सारे चैलेंजेस थे। बट धीरे धीरे जब इस काम को हम लगातार करते रहे, लोग कंफर्टेबल हुए, लोगों ने एजुकेशन लेनी शुरू करी। अभी आप कमाल की बात आप देखिए कि जब हम फिजिकली जाते थे फील्ड में, ठीक, तब हमारी ट्रेनिंग कम होती थी, बट अब हम ऑनलाइन है, ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर। मैं आपसे अगर जो कंपनी की ट्रेनिंग्स की बात करूं ईस्ट इंडिया की, तो रोज एक CNT आप लोगों के लिए हम ठीक 10:30 बजे करते हैं, ठीक, हिंदी इंग्लिश बंगाली, ये तीन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में होती है,
इसके अलावा वीआईपी के मॉड्यूल्स रेगुलर बेसिस पर हमारे वीआईपी ट्रेनर्स आप लोगों के लिए करते रहते हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग्स हम आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पर करते रहते हैं, हमारे हेल्थ केयर ट्रेनर्स हेल्थ के कैटेगरी के कोई ना कोई प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग रेगुलर बेसिस पर आप लोगों के लिए करते रहते हैं डेली बेसिस पर। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे लीडर्स रेगुलर सक्सेस सेमिनार्स करते हैं, हमारे लीडर्स रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम रेगुलर ये ट्रेनिंग सेशन आप लोगों के लिए करते हैं। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये बहुत बड़ा रीजन है कि वेस्ट इंडिया और हमारे लीडर्स ने इतना फिनोमिनली ग्रो करा है बिकॉज ऑफ एजुकेशन सिस्टम। और सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, एक चीज मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा कि एजुकेशन के साथ साथ कम्युनिकेशन। अब मैं छोटा सा कंपैरिजन अगर जो आपको करके बताऊं तो COVID-19 से पहले जब व्हेन वी यूज्ड टू गो टू फील्ड, जब हम फील्ड पे रेगुलर बेसिस पर जाया करते थे, तब होता क्या था कि हम फॉर एग्जाम्पल एक लीडर हैं, वो पर्टिकुलर एक सिटी में गए, उन्होंने अपने लोगों के लिए सीएनटी प्रोग्राम करा, 2 दिन रुके वहां पे, होटल किया, होटल में उन्होंने शाम को ग्रुप मीटिंग करी, लीडर्स मीटिंग करी, साथ ही साथ 2 से 3 दिन जो वो रुके वो अपने लोगों के साथ होम मीटिंग्स 1 to 1 रेगुलर बेसिस पर 2-3 दिन उन्होंने काम करा, बिजनेस बिल्ड करा, थोड़ा सा नेटवर्क बिल्ड करा एंड देन मूव ऑन हो गए अपने अगले शहर में अगले नेटवर्क के लिए। अब सीन हुआ ये कि पूरे महीने में अगर जो 20 से 22 दिन एक लीडर ने ट्रेवल करी, तो जिन लोगों के साथ 4 दिन लगाए, 4 दिन के बाद अगला कम्युनिकेशन उनसे होता था हफ्ते 10-15 दिन के बाद। एंड वो कम्युनिकेशन भी तब होता था जब वो लीडर अपने अपलाइन को फोन करता था किसी भी चैलेंज या किसी भी सर्विस रिलेटेड इश्यूज को लेकर, ठीक, या ट्रेनिंग रिलेटेड चीज को लेकर। तो कहने का मतलब ये था कि फिजिकली तो हम पहले फील्ड में एक्टिव थे बट कहीं ना कहीं फोन कम्युनिकेशन हमारा बहुत कम था। अब यहाँ पे पेंडेमिक सिचुएशन आते ही हमने करा क्या, हमने फिजिकली तो हम जा ही नहीं पा रहे थे, ठीक, इनफैक्ट आज भी कई जगहों में फिजिकली हम लोग प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं लोगों के लिए, ठीक, बट फोन कम्युनिकेशन हमने बनाया। कम्युनिकेशन में बड़ी पावर है और ये पावर समझ में आई हमें इस पेंडेमिक सिचुएशन में। सो एक चीज मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा, जो मैं अपनी हर ट्रेनिंग में आप लोगों से कहता हूँ, स्पेशली जो मेरी लीडरशिप ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि कभी भी कम्युनिकेशन कम नहीं करना है अपने लोगों से। आने वाले टाइम में जब COVID-19 खत्म होगा, ग्रेट न्यूज मैं आपको देना चाहूंगा, आज मॉर्निंग में ही मैं न्यूज चैनल देख रहा था और रशिया ने COVID-19 की वैक्सीनेशन तैयार कर ली है एंड रशियन गवर्नमेंट ने उसे अप्रूव भी कर दिया है एंड रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने बच्चियों पे, अपने डॉटर्स पे वो वैक्सीनेशन दी है उनको, बिकॉज उनको कोविड पॉजिटिव हुआ था एंड विद इन 24 आवर्स उनका फीवर खत्म हुआ एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और अगर जो इसको WHO ने अप्रूव कर दिया तो बहुत जल्दी, मतलब नेक्स्ट ईयर, इस साल के एंड तक नहीं तो नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में ही पूरे वर्ल्ड वाइड वो वैक्सीनेशन हम लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो मैं ये चाहूंगा, इनफैक्ट हम सभी लोग चाहेंगे कि COVID-19 जल्दी से जल्दी खत्म हो और हम अपनी नॉर्मल लाइफ फिर से जीना शुरू करें, हम फिर से ट्रेवल करना शुरू करें। तो गाइस ध्यान रखिएगा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकली तो हम फील्ड में रहेंगे आने वाले टाइम में COVID-19 के खत्म होने के बाद, बट फोन कम्युनिकेशन हमें कभी भी बंद नहीं करना। वी नीड टू बी इन कॉन्स्टेंट एंड रेगुलर टच विद आवर टीम। रात को सोने से पहले आधा घंटा अपनी पूरी टीम में एक एक लीडर से बात कीजिए, क्या प्रॉब्लम, बात कीजिए, सर्विस रिलेटेड कोई इश्यूज तो नहीं है, बात कीजिए, प्रोडक्ट रिलेटेड कोई क्वेरीज तो नहीं है, ठीक। उनको आपकी टीम में हर लीडर को एक चीज समझ में आनी चाहिए कि कैसी भी कितनी भी बड़ी से बड़ी पेंडेमिक सिचुएशन आ जाए, बट मेरा अपलाइन बैठा हुआ है मेरे साथ, वो मेरे को कभी कुछ होने नहीं देगा और वो मेरा बिजनेस कभी भी गिरने नहीं देगा। ये चीज वेस्टीज भी बहुत अच्छे से जानता है, जिसके चलते वेस्टीज ने इनिशियली जब लॉकडाउन हुआ था तो वेस्टीज ने इनिशियली उन लीडर्स के अकाउंट में भी पे आउट डाला था जो लीडर्स रेगुलर बेसिस पर अपने लेवल्स को मेंटेन कर रहे थे, बट समहाउ COVID-19 के चलते वो अपने लेवल्स मेंटेन नहीं कर पा रहे। वेस्टीज ने उनके अकाउंट में भी पे आउट डाला था बिकॉज वेस्टीज एक चीज जानता है कि ड्रीम्स के बारे में आदमी कब सोचता है, ड्रीम्स के बारे में आदमी काम करना तब शुरू करता है जब उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होती है, रोटी सब्जी दाल चावल, घर का किराया, बच्चों की स्कूल की फीस, राशन, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये सबकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपकी भी है, मेरी भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक। जब हमारी ये बेसिक चीजें, बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होंगी, देन ओनली हम हमारे ड्रीम्स के बारे में सोचते हैं, हम अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के बारे में सोचते हैं।
तो वेस्टीज ने ये और स्टेप लिया, साथ ही साथ वेस्टीज ने लिवरेज दी कंसिस्टेंसी के ऊपर कि जो लीडर्स ऑलरेडी 1 महीना 2 महीना 3 महीना कंसिस्टेंसी के पूरे कर चुके हैं, बट समहाउ पेंडेमिक सिचुएशन के चलते अभी वो COVID-19 के चलते अभी वो अगर जो अपनी कंसिस्टेंसी नहीं कंटिन्यू कर पाते तो नो प्रॉब्लम, उनकी कंसिस्टेंसी टूटेगी नहीं। जैसी पेंडेमिक सिचुएशन खत्म होगी वो अपनी कंसिस्टेंसी स्टार्ट करेंगे और वहीं से उनकी कंसिस्टेंसी कंटिन्यू हो जाएगी। इन सारे चीजों ने बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिए, बहुत बेहतरीन फायदे दिए हमारे डीलर्स को, हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जिसकी वजह से एक चीज और आई कि हमारे लीडर्स में, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स में एक ट्रस्ट लेवल बढ़ा कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो जाए, वेस्टीज हमेशा उनके साथ है, उनकी टेक केयर करने के लिए, उनका ध्यान रखने के। इनफैक्ट मैं अपना पर्सनली आपको बताऊं तो रेगुलर बेसिस पर आई यूज टू कॉल ऑल लीडर्स, और इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल, चाहे वो ब्रॉन्ज राइटर लेवल पे है, चाहे वो 17% लेवल पे है, चाहे वो सिल्वर है, गोल्ड है, स्टार है, क्राउन है। एक बार को शायद मैंने DUCDs या DCDs से शायद फिर भी मैंने कम बात की होगी, बट मैंने लोअर लेवल के लीडर से रेगुलर बेसिस पर, नॉट ओनली मी, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ आर कंपनी, बिकॉज कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसके चलते फिनोमिनल वेस्टीज ने ग्रोथ ली। एक चीज मैं आपको इसमें कहना चाहूंगा कि ये कम्युनिकेशन को हमेशा कंटिन्यू रखिएगा, नंबर 1। नंबर 2, नेवर एवर मिस एनी एजुकेशन प्रोग्राम, जो मैं पहले भी कहता था, जो मैं आज भी कह रहा हूं, बिकॉज ये एजुकेशन सिस्टम ही है और ये कम्युनिकेशन टूल ही है हमारा सबसे बेहतरीन, जिसके चलते आज वेस्टीज ने इतनी बेहतरीन तरीके से ग्रोथ ली है। यस, देर आर फ्यू फ्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं, बट अब सवाल ही उठता है कि कुछ लीडर्स जो है वो स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। जैसे जैसे कल मैं आई वाज टॉकिंग टू अ लीडर, उनका लेवल गोल्ड गोल्ड था, तो वो बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्होंने बोला, सर फाइनेंशियल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है एंड जो नेटवर्क है मेरा वो काम नहीं कर रहा है, जिसके चलते मेरा बिजनेस बिल्ड नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो अब सवाल ही उठता है कि जो लीडर्स जिनका बिजनेस नहीं हो पाया है इस COVID-19 की सिचुएशन में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जब उनके पास समय था, जब उनके पास अच्छे टूल्स थे, जब वो फील्ड में जा सकते थे, तब वो एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर सकते थे। उस समय पे उन्होंने बड़ा नेटवर्क बिल्ड नहीं करा। वेस्टीज में सफलता की पहली चाबी है, वो है बिग नेटवर्क। जिस दिन आपने एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर लिया, जिस दिन आपने एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर लिया, कोई सी भी सिचुएशन टफ नहीं रही। बिकॉज एक मैं अपनी हर ट्रेनिंग में एक बड़ी सिंपल सी चीज कहता हूँ कि बिग मनी कम्स फ्रॉम बिग वॉल्यूम एंड बिग वॉल्यूम कम्स फ्रॉम बिग नेटवर्क। तो जिस दिन आपने एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर लिया, एंड आज भी देर नहीं हुई है, आज भी देर नहीं हुई है, यू नेवर नो आने वाला समय कैसा हो, कौन सी पेंडेमिक सिचुएशन आए, यू नेवर नो आने वाला समय इससे ज्यादा टफ हो। हमें करना क्या है, वी नीड टू बिल्ड अ बिग नेटवर्क। ये चीज वेस्टीज भी जानता है, इसलिए आप देखिए वेस्टीज ने इस महीने आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन ऑफर लॉन्च किया है कि आप रजिस्ट्रेशन करिए, करवाइए लोगों का रजिस्ट्रेशन करा के। पहला ऑर्डर 100 PV का मिनिमम सिंगल इनवॉइस में होगा, तो आपको 100 PV एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो यू कैन इमेजिन कि आप इस ऑफर के साथ कितना बड़ा एक नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। बिकॉज एक चीज बड़ी सिंपल सी है, कल को जब ये पेंडेमिक सिचुएशन खत्म होगी तो ये जो ऑफर्स अभी चल रहे हैं, 25% डिस्काउंट, आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान, 1% पूल, शायद ये ऑफर तब ना हो। आज ये एक बहुत बढ़िया टूल है आप सभी लोगों के लिए अपने बिजनेस को बिल्ड करने का। इस टूल का फायदा उठाइए, इस टूल का फायदा आज के लिए मत उठाइए, इस टूल का फायदा उठाइए आने वाले 5 सालों के लिए। बिकॉज सी वेस्टीज एक बिजनेस है आप लोगों का, ये कोई मेंबर बनाने की स्कीम नहीं है, और एक बिजनेस, और यहाँ पे आपको एक बिजनेसमैन की सोच रखनी बहुत जरूरी है। और बिजनेसमैन की सोच क्या होती है, बिजनेसमैन की सोच होती है कि वो आज से 5 साल के बाद अपने बिजनेस को और अपनी सिचुएशन को किस लेवल पे देख रहा है। वो आज के बारे में बात नहीं करेगा, वो बात करेगा आज से 5 सालों के बाद, आज से 10 साल के बाद। तो ये जो एक टूल आप लोगों के लिए आया है, इसका इस्तेमाल कीजिए टू बिल्ड अ बिग बिजनेस फॉर फ्यूचर, आपके भविष्य के लिए। बिकॉज की बड़े नेटवर्क में, जितना बड़ा नेटवर्क आप लोग बिल्ड करेंगे उतना बड़ा आप लोग बिजनेस बिल्ड करेंगे। और उसके बाद अगर कोई सी भी पेंडेमिक सिचुएशन, COVID-19 तो बड़ी छोटी सी है, अगर उससे भी बड़ी कोई सिचुएशन आ गई, तब भी कोई चैलेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नेटवर्क बड़ा है।
आप देखिए ना मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, क्या प्रॉब्लम आई? अप्रैल में क्या कोई प्रॉब्लम आई उनको? मई में क्या कोई प्रॉब्लम आई? नो, बिकॉज ही हैज गॉट अ बिग नेटवर्क विद हिम। इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना। हाँ, एक चीज ठीक है, समझ में आती है, हो सकता है कि 1 करोड़ से उनका चेक आ गया हो 90 लाख। अब देखा जाए तो 10 लाख रुपए कम है। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। एक लीडर जिसकी इनकम है लेट से 50,000 रुपए, अगर जो उसके चेक में से 25,000 रुपए कम हो गए, फर्क पड़ेगा? ऑफ कोर्स पड़ेगा, क्योंकि 50% इनकम डाउन हो गई। एक लीडर, एग्जाम्पल नंबर टू, एक लीडर जिसका चेक है 1 करोड़ रुपए, अगर जो उसके चेक में से 10 लाख रुपए कम हो गए तो क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो यू नीड टू बिल्ड अ बिग नेटवर्क, ये की है। इस की को हमेशा अपने साथ रखो, फोकस होना चाहिए, बड़ा नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क। एंड साथ ही साथ एक चीज और गाइस, एक चीज और, उस नेटवर्क को कंसिस्टेंसी के साथ जरूर ऐड करो। वेस्टीज हमेशा से फोकस करता है कंसिस्टेंसी के ऊपर। पहले 100 PV की कंसिस्टेंसी थी, जिसके ऊपर वेस्टीज ने लिवरेज आपको दी कि वो 100 PV आप मल्टीपल इनवॉइस में कर सकते हो। वेस्टीज ने लॉन्च कर दिया 60 PV कंसिस्टेंसी, वो भी मल्टीपल इनवॉइस में कर सकते हो। फोकस ऑन कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी के ऊपर जितना ज्यादा फोकस रखोगे एंड नए नेटवर्क के ऊपर जितना ज्यादा और जितना बड़ा फोकस रखोगे, उतना बेहतरीन और बड़ा बिजनेस आपका बिल्ड होगा। और ये बिजनेस आपको आज के लिए बिल्ड नहीं करना है, ये बिजनेस आपको बिल्ड करना है अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए। तो ध्यान रखिएगा, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बड़ा नेटवर्क नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि बड़ा नेटवर्क बनाने में तो टाइम लगेगा, बड़ा नेटवर्क बनाने में तो लगेगा टाइम, तो किस तरीके से हम आज की सिचुएशन को ओवरकम करें? सिंपल फॉर्मूला, बी अ पार्ट ऑफ वेस्टीज एजुकेशन। वो एजुकेशन प्रोग्राम आपकी टीम से कोई अटेंड करे या ना करे। छोटा नेटवर्क है, आई कैन अंडरस्टैंड, या नेटवर्क बहुत बहुत छोटा है, आई कैन अंडरस्टैंड, लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, लोग अटेंड नहीं करेंगे, बट यू मस्ट अटेंड ऑल द एजुकेशन प्रोग्राम, बिकॉज पहले तो आपका ब्रेन शार्पन होना जरूरी है ना। जब आपका ब्रेन शार्पन होगा तभी तो वो चीजें आप ट्रांसफर कर पाएंगे अपने नेटवर्क में। ये एक बहुत बड़ी गलती जो कई सारे लीडर्स करते हैं, और ये गलती कौन लीडर्स करते हैं? जिनके पास छोटा नेटवर्क है। और उनके पास छोटा नेटवर्क क्यों है? क्योंकि वो ये गलती करते हैं कि मेरी टीम में से तो कोई आ नहीं रहा है, तो मैं उस प्रोग्राम को अटेंड करके करूंगा क्या? मैंने तो वो प्रोग्राम 1,000 बार अटेंड किया हुआ है। मैं गारंटी दे सकता हूं आप में से कई सारे लीडर्स VIP अटेंड कर चुके होंगे, 5 5 बार, 10 10 बार, 15 15 बार, 25 25 बार, 50 50 बार। हो सकता है आप में से कुछ पुराने लीडर्स भी हो जिन्होंने 100 100 बार VIP ट्रेनिंग अटेंड करी हो। और मैं एक चीज और कह सकता हूं कि आप में से कुछ लीडर्स ऐसे होंगे जो रेगुलर बेसिस पर VIP अपने नेटवर्क के लिए भी करते होंगे, बट उस बावजूद उसके मैं गारंटी दे सकता हूं, अभी अगर तुम्हें पूछ लूं कि गलती नंबर 3 कौन सी है 7 पिटफॉल में से, बता नहीं पाओगे। सो इसलिए नेवर एवर मिस एनी एजुकेशन प्रोग्राम विद योर टीम, विदाउट योर टीम कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो शुरू करो, कहावत सुनिए ना, यथा राजा वथा प्रजा। आप ही अटेंड नहीं करोगे तो आपकी टीम कहां से अटेंड करेगी? सो जिस दिन आपने एजुकेशन लेनी शुरू कर दी, आपका ब्रेन शार्पन होगा। प्लस देर इज वन मोर थिंग, कि एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूं कि ऑलवेज हैव अ ड्रीम, एंड उस सपने को टाइम बाउंड कीजिए, कन्वर्ट दैट ड्रीम इनटू योर गोल्स एंड विजुलाइज कीजिए, विजुलाइज योर ड्रीम, लिव दैट ड्रीम। सुबह दोपहर शाम रात सोते जागते जिए, जीना है आपको अपने उस सपने को। और वो चीज आपको मोटिवेट करके रखेगी, आपको बना के रखेगी वेस्टीज के सिस्टम के साथ। होता है ना, आपकी टीम में लोग ज्वाइन करते हैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ, ज्वाइन करने के बाद कुछ समय काम करते हैं, बट स्ट्रगल होती है, चैलेंजेस आते हैं, और वो बिजनेस से क्विट कर जाते हैं, बिजनेस छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। कहते हैं कि जी कहने में आसान लगता है, करने में आसान नहीं लगता। ठीक, ये वो लोग होते हैं जो अपने ड्रीम्स को विजुलाइज नहीं करते, ये वो लोग होते हैं। एंड इट्स नॉट ओनली नेटवर्किंग, आप किसी भी फील्ड में उठा के देख लो,
किसी भी फील्ड में उठा के आप देख लो, अगर जो आप अपने ड्रीम्स को विजुलाइज नहीं करते हो तो आप उस ड्रीम को कभी पूरा नहीं कर सकते, आप बीच रास्ते में अपने उस जर्नी को छोड़ देते हो। सो विजुलाइज योर ड्रीम, कुछ भी हो सकता है, दैट यू आर ड्राइविंग अ फरारी, व्हाई नॉट, नेशनल हाईवे पे आप 120 की, 140 की, 180 की स्पीड पे अपनी फरारी को ड्राइव कर रहे हैं, दैट कुड बी योर वन ऑफ योर बिगेस्ट ड्रीम्स, विजुलाइज दैट। विजुलाइजेशन में बड़ी पावर है, एंड वो विजुलाइजेशन आपको, दैट विजुलाइजेशन इज गोइंग टू कीप यू मोटिवेटेड टुवर्ड्स योर गोल्स, जिसके चलते आप बिजनेस में कभी क्विट नहीं करेंगे। हमारे वीआईपी में एक पॉइंट आता है, सम विल सम वोंट सो व्हाट, जब आपके ड्रीम स्ट्रांग होंगे जिस और उसको आप रेगुलर बेसिस पर विजुलाइज करेंगे, तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से काम करेगा आपके लाइफ में, कि कुछ लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, सो व्हाट, क्या हुआ, गो टू नेक्स्ट, 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 गो टू नेक्स्ट। प्लस जैसे मैंने बताया, बिग नेटवर्क आपको बिल्ड करना है, एंड जिसके लिए वेस्टिज कई सारे ऑफर देता है। एंड एक चीज और ध्यान रखिएगा, काम कीजिए एलीट लोगों के ऊपर। अब ये एलीट लोग कौन हैं और ये करते क्या है, देयर इज वन थिंग जो आज भी कहीं ना कहीं सैड है, कि जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, ऑलरेडी कोई एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है, ऑलरेडी किसी ना किसी एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, जो बहुत हाई प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, हम लोग उनके पास नहीं जाते हैं वेस्टिज को लेकर। ये एग्जांपल मैं आपको क्यों दे रहा हूं, बिकॉज कल मैं एक जेंटलमैन से मिला, ही इज अ बिग बिजनेसमैन, भुवनेश्वर में उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, करोड़पति आदमी है, एंड वो ऑफिस में कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए आए थे। वो मेरे से मिले, मेरे से मिलके उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सवाल पूछे। पहला सवाल पूछा कि सर, ये जो वेस्टीज कंपनी है, ये कितनी साल पुरानी कंपनी है। मतलब कमाल की बात ये है कि उन्होंने वेस्टीज के बारे में सुना ही नहीं था, उनके किसी फ्रेंड ने बोला था कि वेस्टीज कुछ सप्लीमेंट्स हैं, आप जाके परचेस कर लो। ही केम टू ऑफिस टू बाय सम प्रोडक्ट्स, वेस्टीज के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था, बावजूद इसके कि वेस्टीज इंडिया में नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, वर्ल्ड की 30th लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और गाइस, आपकी जानकारी के लिए मैं एक बार बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिनके पास आज तक हम नहीं गए हैं वेस्टीज को लेकर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे एक सवाल उठता है कि सर, हम बड़े प्रोफाइल के पास तो चले जाए, बट उनका प्रोफाइल इतना बड़ा है कि हमें कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हम लोगों के पास जाएंगे तो वो कैसे रिएक्ट करें। इसमें सिंपल मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ध्यान रखिएगा, काटने वाला जो जानवर होता है वो मच्छर होता है, हाथी कभी नहीं काटता। आप जितने अच्छे प्रोफाइल के लोगों के पास जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, सी डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग बड़ा हिंदुस्तान ही नहीं वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन बिजनेस है, ये मेरा मानना है, ठीक। और ये वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन बिजनेस क्यों है, बिकॉज इस बिजनेस में यू मीट डिफरेंट पीपल ऑन डेली बेसिस, आप अलग अलग लोगों से मिलते हो डेली बेसिस पर, वो अलग अलग प्रोफाइल के लोग होते हैं, वो स्टूडेंट्स होते हैं, वो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, वो हाउसवाइफ्स हो सकती हैं, वो बिजनेस वुमेन हो सकती हैं, वो वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हैं, वो किसान हो सकते हैं, ऑफ कोर्स, बिकॉज एग्रीकल्चर कैटेगरी भी हमारे पास है, जिसके चलते किसानों से हम रेगुलर बेसिस पर मिलते हैं, एंड अलग अलग कल्चर के लोगों से हम रेगुलर बेसिस पर मिलते हैं। सो यू लर्न अलॉट, आपको सीखने को बहुत मिलता है। इसलिए मेरा मानना यह है कि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन बिजनेस है, बिकॉज सीखने की कोई उम्र नहीं होती, मिलिए तो सही उन अच्छे प्रोफाइल के लोगों से। प्रॉब्लम यह है कि हम डर के मारे मिलते ही नहीं, वो क्या सोचेगा, वो मेरे को सुनेगा भी या नहीं सुनेगा,
ये एक कॉम्प्लेक्स होता है हम लोगों के अंदर, बट इस कॉम्प्लेक्स को आप ही ओवरकम करेंगे। कैसे? अगेन एजुकेशन के साथ। आज मैं आप लोगों के साथ क्या कर रहा हूं, आई एम एजुकेटिंग यू सो दैट आप आगे फर्दर और ज्यादा ग्रो कर सके और ज्यादा तरक्की कर सके। बाकी कई सारे सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि सर व्हाई वेस्टीज, व्हाई नॉट एनी अदर कंपनी, बिकॉज वेस्टीज सिर्फ एक वेस्टीज कंपनी नहीं है, वेस्टीज ही नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में कई सारी कंपनियां भी है। देर आर सो मेनी कंपनीज। लोग कंपनियों का नाम लेके कंपैरिजन पूछते हैं। तो गाइस एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज, वेस्टीज का किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं, नंबर वन। नंबर टू, वेस्टीज का किसी कंपनी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। आज वेस्टीज इंडिया की नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इसलिए बनी बिकॉज वेस्टीज ने जो कंपटीशन करा वो खुद के साथ करा, किसी दूसरी कंपनी के साथ नहीं। हमें पता भी नहीं चला कि हम अपने पायदान कब चढ़ते 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 इंडिया की नंबर वन कंपनी और वर्ल्ड की 30th लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन गए। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वेस्टीज ने कभी किसी दूसरी कंपनी के साथ कोई कंपटीशन नहीं करा। वेस्टीज का कंपटीशन खुद से था। हमारा कंपटीशन रहता है हम अपने पिछले साल के टर्नओवर को क्रॉस करें। हमारा कंपटीशन रहता है कि जो हमने पिछले महीने का टर्नओवर करा हम इस महीने उससे ज्यादा टर्नओवर करें। आज ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वाई वेस्टीज, वाई नॉट एनी अदर कंपनी। आप मार्केटिंग प्लान ले लो। जब आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान नया नया लॉन्च हुआ था तो बड़े सवाल थे लोगों के, सर 9% परफॉर्मेंस बोनस में से कम कर दिया, सर मेरे कंज्यूमर्स को नुकसान हो जाएगा, जो सर ब्रांच डायरेक्टर हैं उनको नुकसान हो जाएगा। मैंने कल ही एक वीडियो करी है जिसमें मैंने कंपैरिजन दिया है ब्रॉन्ज डायरेक्टर का, जो एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर मेंटेन करता है पुराने प्लान में और नए प्लान में किस तरीके का है, वो कंपैरिजन मेरी कल वाली वीडियो में आप देख लीजिएगा, ठीक। एंड बड़े सवाल थे, एलीट क्लब में कितना पैसा आएगा, बड़े सवाल थे। सारे सवालों के जवाब ऑटोमेटिकली मिल गए। जून में लॉन्च हुआ, 2 महीने हो गए, फिनोमिनल टर्नओवर हुआ। इन दोनों महीनों में हर लीडर ने अपने अपने चेक को टेक ओवर करा। अब आज की डेट में वेस्टीज के लीडर किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, किसी से कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, दे आर कंपीटिंग विद देमसेल्व्स। जतेंद्र नायक जी का जून के महीने में लगभग 22 लाख रुपए का चेक था, उन्होंने अपने आप से कंपटीशन करा कि जुलाई के महीने में मैं 22 लाख को क्रॉस करूंगा, उन्होंने 24 लाख का चेक लिया। बाबा ग्राही माझी जी ने कहा शायद, मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, आई थिंक जून में उनका जो चेक था वो लगभग 9 साढ़े 9 लाख रुपए का था, उन्होंने अपने आप से कॉम्पिटिशन किया और सीधा जंप मारी 15 लाख पे। सो वेस्टीज का कोई कंपटीशन है ही नहीं, सो देर इज नो कंपैरिजन, देर इज नो कंपैरिजन। और आज हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम इंडिया की नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, मानो या ना मानो। लोग बोलेंगे नेटवर्किंग करनी है, देर आर फ्यू पीपल जो बोलेंगे कि अच्छा एक एक करके लोगों से मिलना है, नेटवर्किंग करनी है, ठीक। अब हमें उनका जवाब नहीं देना, जो हमारे वीआईपी सेशंस में भी हम रेगुलर बेसिस पर आप लोगों से कहते हैं कि आपको जवाब नहीं देना, आपने सवाल के ऊपर सवाल पूछना है। लोग पूछेंगे क्या नेटवर्किंग करनी होगी, तो आप पूछो क्या आप नेटवर्किंग करना चाहते हो, वो बोलेंगे हाँ तो गुड सर कीजिए, बोलेंगे नहीं गुड सर कोई दिक्कत नहीं है आप ज्वाइन कीजिए, इसलिए आपको वेस्टिज के बारे में तो बता रहा हूं मैं। बट गाइस एक चीज ध्यान रखिएगा कि वेस्टीज का बिजनेस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट की है सक्सेस की, और वो है पेशेंस, वो है पेशेंस। अगर जो आपके पास पेशेंस है तो वेस्टीज का बिजनेस आपके लिए बना है, और अगर जो आपके पास पेशेंस नहीं है तो वेस्टीज इज नॉट मेंट फॉर यू। एंड लेट्स कीप वेस्टीज और डायरेक्ट सेलिंग असाइड, आप कोई भी फील्ड ले लीजिए, पेशेंस इज द की टू सक्सेस। पेशेंस है सफलता है, पेशेंस नहीं है सफलता नहीं है। तो वेस्टीज में भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सो देर आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ आज यहाँ पे शेयर करे। नंबर वन, बिग नेटवर्क, यू नीड टू हैव बिग नेटवर्क, नेटवर्क बनाइए। लोग अभी शायद हो सकता है कुछ सवाल आ रहे हो कि सर अब तो लोग घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, लोगों के बड़े एक्सक्यूज हैं। तो गाइज
याद कीजिए वो समय जब आप फील्ड में जाते थे, लोगों से मिलते थे, तो लोगों का सबसे पहला कंसर्न यही था कि मैं बिजी इतना हूं, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता। नो प्रॉब्लम, आप घर पे बैठिए ना, क्या दिक्कत है। इस वक्त जितने भी लोग मेरे को ये सुन रहे हैं, उनमें से 99% लोग अपने घर पे बैठे हुए हैं। दे आर सिटिंग समवेयर इनडोर। कुछ लोग ऑफिस में बैठे होंगे, कुछ लोग अपने घर पे बैठे होंगे। तो कितनी आसान हो गई लाइफ। आप घर बैठे बैठे एजुकेशन लीजिए, मोबाइल एप्लीकेशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी ज्वाइनिंग कराइए, अपना केवाईसी ऑनलाइन सबमिट करवाइए, साथ ही साथ आप अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन डिलीवर करवाइए एंड गेट द पॉइंट वैल्यूज, बिल्ड अ बिग नेटवर्क घर बैठे बैठे। तो वो लोग जो लोग कहते थे कि जी मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता, मैं हाउस वाइफ हूं, मेरे को मेरी हस्बैंड अलाउ नहीं करते, मेरे को मेरी मदर इन लॉ अलाउ नहीं करती, वो लोग जो कहते थे मैं ऑलरेडी एक नौकरी में हूं, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता, आई कैन नॉट गो आउट एंड आई कैन नॉट गो आउट, मैं बाहर ही नहीं निकल सकता, मैं टाइम ही नहीं दे पाऊंगा। जो कहते थे कि मैं ऑलरेडी एक बिजनेस में हूं, मेरे को वेस्टीज बहुत अच्छा लगा, बट मैं ऑलरेडी एक बिजनेस में इन्वॉल्व हूं, आई कैन नॉट गो आउट टू पीपल क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। नो प्रॉब्लम एट ऑल सर, घर पे बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। वेस्टिज की एजुकेशन लीजिए, एजुकेशन के साथ साथ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स ऑर्डर कीजिए। ये बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है ही नहीं, ये बिजनेस है कंज्यूमर बनने का और कंज्यूमर बनाने का, और उन्हीं सभी कंज्यूमर्स को वेस्टिज की एजुकेशन के साथ अटैच करने का, सो देट वो भी आगे फर्दर इस नेटवर्क को आगे बिल्ड करें। कौन सा नेटवर्क? कंज्यूमर नेटवर्क। और वेस्टिज में तो हम कहते भी हैं कि आप 6 कंज्यूमर्स बनाइए, उनके नीचे 6 कंज्यूमर्स बनाइए, उनके नीचे 6, उनके नीचे 6, 1555 कंज्यूमर्स। अगर जो ऑन एन एवरेज हर महीने 1000 सॉरी 30 या 40 पीवी का या 50 पीवी का या फॉर एग्जांपल 100 पीवी का भी अगर जो वो सामान खरीदते हैं कंसिस्टेंसी में, आप लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए महीना कमाते हैं। यही तो पावर है कंज्यूमर नेटवर्क की। So, इन चीजों का खास तरीके से आप लोग ख्याल रखिए। बाकी वेस्टीज में एज एन एम्प्लॉई हम सभी लोग रेगुलर बेसिस पर 24/7 आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, आप लोगों को सर्विसेज देने के लिए। यस, कभी कभी होता है दैट वी डोंट पिक अप योर फोन बिकॉज बिजी रहते हैं। जैसे अभी इस वक्त मैं आप लोगों के साथ यहाँ ट्रेनिंग में हूँ, बट मेरा फोन नॉन स्टॉप बज रहा है। आप देखें कितने सारे नोटिफिकेशंस है, ठीक, मेरा फोन रेगुलर बेसिस पर बज रहा है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं जितने भी कॉल मिस करे हैं मैं सबको कॉल बैक करूं, बट समहाउ कभी कभी हो जाता है कि मैं कॉल बैक नहीं कर पाता। सबसे बढ़िया टूल है सेंड मी मैसेज, ठीक, मेरे को ईमेल कीजिए UARYA@myvestige.com, दैट्स माय ईमेल आईडी। सबसे बेस्ट है आप रिटर्न में ईमेल कीजिए सो दैट आपको रिटर्न में मैं उसके जवाब दे सकूं। हम रेगुलर बेसिस पर आपको सर्विसेज देते हैं, हमारी ऑपरेशन टीम रेगुलर बेसिस पर काम कर रही है, हमारे वेयर हाउस टीम रेगुलर बेसिस पर काम कर रही है, जो रेगुलर बेसिस पर आप लोगों को सर्विसेज देने के लिए रेगुलर तैयार रहती है। बाकी वेस्टीज में अपार सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा एंड बिल्ड कीजिएगा एक बड़ा नेटवर्क, क्योंकि जिस दिन बड़ा नेटवर्क बिल्ड हो गया वो दिन आपका रिटायरमेंट का दिन होगा, वो दिन होगा आपका एक्चुअल अपनी रियल ड्रीम लाइफ जीने का दिन। बड़ा नेटवर्क बिल्ड हो गया, रिटायर हो जाइए, रेगुलर बेसिस पर घर बैठे बैठे लाखों रुपए महीने के आएंगे। एंड वेस्टीज लोग करते भी तो इसीलिए, बट उसके लिए आपको कुछ साल लगातार सिस्टम फॉलो करके मेहनत करनी होगी। You need to have people network in your team. And guys, लोग आते हैं, किसके पास आएंगे लोग? जो उन्हें ढूंढेंगे, जो नहीं ढूंढेंगे ये सोच के भाई कोविड चल रहा है, बाहर नहीं निकल रहे, लोग परेशान हैं, ज्वाइन नहीं करेंगे, उनके पास कुछ नहीं आएगा। उनके पास आएगा जो काम कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा, डिजिटल वर्ल्ड है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं और रेगुलर बेसिस पर काम कर रहे हैं लगातार। एक लास्ट मंथ मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए करी थी जिसमें मैंने कुछ टिप्स दिए थे आपको कि एक बहुत बढ़िया नेटवर्क किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा उस वीडियो को, वो मेरे चैनल पे ऑफकोर्स अवेलेबल है, उमेश आर्य फिटनेस जो मेरा चैनल है, ठीक। चलिए बाकी आज का सेशन हम लोग यही खत्म करते हैं, बहुत जल्दी आप लोगों से अगले लीडरशिप ट्रेनिंग सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी, जिसमें मैं कुछ नई चीजें और कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी वो आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी एंड उनको आप
जरूर अप्लाई करेंगे अपने बिजनेस में और एक बड़ा और बेहतरीन बिजनेस बिल्ड करेंगे। बाकी वेस्टीज में अपार सफलता के लिए अगेन मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ।